नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। शेयर बाजार की जब चर्चा होती है तब काफी लोग मुझे सवाल करते हैं, कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल स्टिक समझता नहीं है, बताइए कैंडल स्टिक कैसा क्या होता है, उसको कैसे इंटरप्रिट करना चाहिए। एक्चुअली कैंडल स्टिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं भी एकदम शॉर्ट में आपको एकदम समझ में आएगा ऐसा आपको बता रहा हूँ। क्या होता है कि शेयर बाजार में दो तरह के एनालिसिस है मेनली, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एनालिसिस करके लोग ये निष्कर्ष तक आते हैं कि भाई ये शेयर मैंने लेना चाहिए कि बेचना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है बताता है कि शेयर में ताकत कितनी है, वो कंपनी में ताकत कितनी है, कंपनी के पास में कितने असेट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं कंपनी, तो वो देखते हैं। और दूसरे जो है टाइप के लोग वो देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल मतलब इसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई कंपनी कितनी स्ट्रांग है या कंपनी के हाथ में कितने असेट है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये देखा जाता है पास्ट हिस्ट्री क्या है वो शेयर की, पास्ट हिस्ट्री में कितने भाव है, क्या भाव में ये बिक रहा था, एक साल के भाव देखो तो लो कितना था, हाई कितना था, और फिर पिछले एक हफ्ते में उसने कैसा बर्ताव किया, शेयर ऊपर नीचे हो रहा था, उसका क्या पैटर्न था, और वो हिसाब से फिर वो निष्कर्ष तक आते हैं कि भाई ये शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब पास्ट बेस्ड परफॉर्मेंस जो है वो देखते हैं शेयर का, और वो हिसाब से फिर निकालते हैं कि अभी फ्यूचर में शेयर कैसा करेगा। तो इसके लिए एक जापानीज व्यक्ति ने निकाला हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं उसको, कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है, कैंडलस्टिक कैंडल है और स्टिक है उसकी, या कैंडल है और उसकी बात है या विक है। तो कैंडल के पास, कैंडल में दो रहते हैं मेन, एक रहता है कि कैंडल मतलब बॉडी ऑफ द कैंडल, और दूसरा है विक ऑफ द कैंडल, विक मतलब बात जो रहती है वो ऊपर के बाजू एक रहती है, एक नीचे के बाजू रहती है, ऐसे दो बात है। तो ये दो प्रकार की कैंडल होती है मेनली, एक है ग्रीन कैंडल और एक है रेड कैंडल। रेड कैंडल जो हम जब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो ये बताती है रेड कैंडल यदि है तो कि भाई ये शेयर जो है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक का शेयर है, तो ये शेयर जो है वो भाव जो ओपन हुआ था जब आप 9:15 बजे आज मार्केट चालू हो गया, तो उसका जो भाव ओपन हो गया था वो ओपन जहाँ से हुआ वहाँ से वो नीचे 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 आ गया, और जब मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया तो नीचे में वो बंद हो गया शेयर का भाव। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो रेड कैंडल यदि है स्टेट बैंक की, तो वो बताएंगा कि भाई फॉर एग्जांपल 520 में ये मार्केट खुल गया था, तो शेयर का भाव 520 था 9:15 बजे, और जब मार्केट चल रहा था जैसे 3:30 बजे जब मार्केट ख़त्म हुआ, तो उसकी प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस वो फॉर एग्जांपल 510 थी। तो ये है रेड कैंडल। रेड कैंडल मतलब शेयर का भाव डाउन हो गया, जो भाव में खुल गया था उससे नीचे आ गया। अब ग्रीन कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल ये बताती है कि शेयर जो भाव में खुला था तब की कीमत 9:15 बजे की, और बाद में वो चढ़ते गया और 3:30 बजे वो समझो 520 है स्टेट बैंक का शेयर, तो चढ़ते गया और वो 530 में बंद हो गया, मतलब ऊपर गया। तो फिर वो ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल का नीचे का जो पोर्शन रहता है बताता है कि ये ओपनिंग प्राइस है, और ऊपर का जो पार्ट है बॉडी का बताता है कि ये क्लोजिंग प्राइस है। तो ग्रीन कैंडल मतलब ये शेयर मतलब बुलिश था ये शेयर और ऊपर गया, रेड कैंडल मतलब वो शेयर नीचे आ गया। तो ये कैंडल का फायदा है मालूम करने के लिए। उसके ऊपर जो है वो रहती बात विक रहती है, नीचे भी रहती है ऊपर भी रहती है, पतली सी रेश रहती है, पतली सी एकदम, वो कितनी भी लंबी छोटी कितनी भी हो सकती है। तो स्टेट बैंक का शेयर समझो खुल गया 520, बंद हो गया 540, तो क्या हो गया, ग्रीन कैंडल। मगर वो 560 तक गया था ऊपर मार्केट के बीच में, 12:00 बजे 1:00 बजे 2:00 बजे जो भी है 560 तक गया था, और नीचे आके 540 में बंद हो गया, मगर खुला कहाँ था 520, इसलिए वो ग्रीन कैंडल है। और नीचे का बॉडी का नीचे का जो पार्ट है वो भी एक पतली लाइन रहती है, वो दर्शाती है कि खुला था 520, ऊपर जा रहा था, जाते जाते फिर एक बार नीचे आ गया 515, 510 तक नीचे आ गया, 510 तक नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर 520 तक गया, फिर 530 और 540, 560 और फिर 540 में बंद हो गया। इसका मतलब 520 में खुल गया, 540 में बंद हो गया, ग्रीन कैंडल है। मगर ड्यूरिंग द डे वो 560 तक भी ऊपर गया था, इसलिए वो बारीक सी लाइन बता रही है बात जो है विक, और नीचे की लाइन बता रही है कि भाई खेलते खेलते वो शेयर 510 भी हुआ है नीचे, और बाद में फिर वो ऊपर चले गए। तो ये पूरा कैंडल से हमको पता चलता है, कैंडल स्टिक बोलते हैं उसको, कैंडल स्टिक पैटर्न से पता चलता है कि भाई ये शेयर का रवैया क्या था, क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि भाई कल क्या था, परसों क्या था, नरसों क्या था। एक दिन में आपको बताते हैं कि भाई पाँच मिनट में क्या हो रहा है कैंडल का, तो एवरी 5 मिनट्स भी आप लगा सकते हैं, एक एक घंटे भी लगा सकते हैं कि एक एक घंटे 9:15 बजे मार्केट खुल गया, एक एक घंटे में बताओ क्या हो गया।
तो जब रेड 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 आ रहा है एक के पीछे एक रेड रेड रेड, तो फिर लोग बोलते हैं यार ये शेयर नीचे जा रहा है, तो जो नीचे वाला है उसको पकड़ो मत, नीचे जाने वाला है उसको पकड़ेंगे तो हाथ को जख्म हो जाएंगे, हाथ जल जाएगा, हाथ को लगेगा। तो रेड रेड बता रही है तो कुछ तो भी गड़बड़ है, उसको क्यों पकड़ना है, मत पकड़ो उसको। मगर वो रेड है, उसके बाद में मतलब कल रेड था, परसों भी रेड था, आज वो ग्रीन बता रहा है, वो कैंडल आज ग्रीन बता रही है, इसका मतलब आज उसने ऊपर चालू किया जाना, ऊपर गया और बंद हो गया ऊपर। फिर कल भी समझो ग्रीन बता रहा है, इसका मतलब वो रेड में था, भाव नहीं बढ़ रहे थे, नीचे जा रहा था, अभी उसने ऊपर जाना चालू किया है तो भी खरीदो जब शेयर ऊपर जा रहा है, तो ये उसका फायदा होते रहता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत डीप है, उसका तो पूरा दिन भर भी बैठेंगे तभी कम है। अभी तक इतना ही है, आपको वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।